तो ये जो लोकेशन है वो सरफरोश फिल्म की शूटिंग वाली लोकेशन है। राम राम सारा भैया ने। तो अब हम आ चुके हैं राजस्थान की गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप जैसलमेर का अम्बेडकर सर्कल, यहाँ से रेलवे स्टेशन है ये इस रास्ते लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। तो हम आगे चल रहे हैं अम्बेडकर सर्कल से सीधे गढ़सीसर झील के पास। तो दोस्तों वो सीधा रास्ता जैसलमेर किले के पास जा रहा है, वो आप यहाँ से देख रहे होगे जैसलमेर का किला वो सामने। ये जो रास्ता देख रहे हो आप सीधा जैसलमेर के, ये जो आगे वाला इधर के जैसलमेर किले की ओर जा रहा है। तो दोस्तों ये जा रहा है गढ़सीसर तालाब यानी गढ़सीसर झील की ओर, ये रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड। चलिए चलते हैं आगे गढ़सीसर झील। तो दोस्तों ये रास्ता गढ़सीसर झील की ओर जाता है, आप उधर से भी जा सकते हो, जो महिलाएं जा रही हैं उधर की साइड भी आप जा सकते हो, लेकिन इसका सीधा रास्ता यही है। ये है दोस्तों दरगाह है हजरत जमाल साहब की। तो दोस्तों देख लो हम गढ़सीसर झील पहुंच चुके हैं, ये हमारी राजस्थान की पहचान है, मेहमानों को यहाँ पर भगवान का दरगाह दिया जाता है, ये राजस्थान की पहचान है दोस्तों। दोस्तों ये है गढ़सीसर झील, यहाँ पर सुबह के समय में आना सबसे अच्छा रहता है। इस झील का निर्माण रावजैत सिंह ने करवाया था, लेकिन इस झील का जीर्णोद्धार यानी कि पुनर्निर्माण वो कराया था यहाँ के जो महरावल गढ़सी जी ने इस झील का। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो गढ़सीसर झील। चलते हैं दोस्तों अब आगे। देख लो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। आपको एक फिल्म का नाम बता देता हूँ मैं, सरफरोश फिल्म आमिर खान की सरफरोश फिल्म आपने देखी होगी, जब एसपी आमिर खान यहाँ पर अपने सिपाहियों को यहाँ पर भेजता है मिर्ची सेठ का पता करने के लिए यहाँ पर भेजता है, तो वो इधर बैठे हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इस झील की सबसे खूबसूरत जगह यही है, यही छतरी है, आप यहाँ से खूबसूरत सेल्फी ले सकते हो और आप यहाँ अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हो। यह ऐसी जगह है, सुबह के समय आप यहाँ पर आना, आपको काफी अच्छा लगेगा। झील के पास अनेक मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, चलिए हम नीचे चलते हैं।
तो दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर हुई थी सरफरोश फिल्म की शूटिंग। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये अभी बने हुए हैं, पहले ये नहीं थे। तो इधर बैठे हुए हैं वो आमिर खान ने जो सिपाही भेजा था और वो मिर्ची सेट का पता करने के लिए, तो दोनों इधर ही बैठे होते हैं और इसी जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो ये जो लोकेशन है वो सरफरोश फिल्म की शूटिंग वाली लोकेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इधर से। तो दोस्तों आप देख सकते हो सुबह का सुंदर दृश्य झील का, सूर्य निकल चुका है सुबह। यहाँ से देख लो गढ़सिसर झील का पूरा शानदार दृश्य। तो दोस्तों आप देख सकते हो सुबह का समय है ये, आप गढ़सिसर झील का सुंदर दृश्य इधर से देख सकते हो। ये देख लो इधर से, आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ। सन 2004 में इधर बाढ़ आ गई थी, तो ये पूरी की पूरी झील में पानी ऊपर आ गया था, यानी कि डूब गई थी पूरी की पूरी झील। और लगभग 50 से 60 पहले ये है जो इसमें जो पानी है वो साफ हुआ करता था। अगर आपको इससे भी बेहतरीन सेल्फी चाहिए गढ़सिसर झील की, तो आप वो आप जो ये जगह देख रहे हो ना, यानी आप वहां से घूम के जा सकते हो या इधर से घूम के जा सकते हो। वहां पर अगर आप जाओगे ना, तो वहां पर खूबसूरत फोटो खींच सकते हैं वहां से। तो दोस्तों आप इस पानी में आपको वैसे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे ही मांस का टुकड़ा या खाने का कुछ सामान डाल दो, वहां पर मछलियां आ जाएंगी। इस तालाब में बहुत सारे सांप भी रहते हैं, बहुत सारे सांप बिच्छू भी रहते हैं। तो दोस्तों आप यह भी पहले छतरी थी, लेकिन यह टूट गई। दोस्तों ये जो छतरियां हैं ऐसे ही इधर भी छतरियां थी, लेकिन वो टूट गई। आप वहां पर भी देख सकते हो एक वह आगे, इससे आगे इधर, इससे पीछे भी एक छतरी और थी पहले, वो टूट गई। ये दोनों छतरियां यहाँ पर थी, वो टूट गई पहले। तो दोस्तों जब भी आप इस छतरी के ऊपर चढ़ो, तो वहां आपको ये जो पट्टियां दिख रही हैं फिसलन वाली है, तो आप ध्यान से इसके ऊपर चढ़ना। चलिए दोस्तों आपने असल में गढ़सिसर झील का दृश्य देख लिया होगा। तो दोस्तों हमने गढ़सिसर झील को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।